हेलो गाइस, तो आज का वीडियो होने वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग। जी हां गाइस, जिस तरह से मैंने आपके लिए बहुत सारे वर्कआउट की सीरीज बनाई है जिसमें आपको सभी जो आपके बॉडी पार्ट हैं उसकी टॉप थ्री एक्सरसाइज मिलेंगी, जैसे कि बाइसेप की टॉप थ्री, चेस्ट की टॉप थ्री, लेग्स की टॉप थ्री, मतलब ये लेग्स का वीडियो होने वाला है जी हां गाइस, ट्राइसेप की टॉप थ्री, शोल्डर की टॉप थ्री एक्सरसाइज। तो इस वीडियो में होने वाला है लेग्स की टॉप थ्री एक्सरसाइज। अगर आपके लेग्स बहुत ही कमज़ोर है ना, तो आपको ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर देना चाहिए जी हां गाइस, क्योंकि मुझे पता है कि 95% जो लोग हैं वो जिम में लेग्स ट्रेन ही नहीं करते। जी हां गाइस, सैटरडे को बहुत लोगों का लेग्स वर्कआउट आता है, जिन लोगों का मन नहीं करता या फिर जो लोग लेग्स वर्कआउट स्किप कर देते हैं, उसके लिए मैं एक टिप बताता हूँ कि आप जो लेग्स वर्कआउट हो तो वो आप वो मंडे को कीजिए। जी हां गाइस, मंडे को अगर आप लेग्स वर्कआउट अगर करोगे तो वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। मंडे को कोई भी जिम जाने के लिए मतलब रेडी रहता है, तो आपका अगर पहला दिन अगर लेग्स वर्कआउट है तो बढ़िया, अगर आपका चेस्ट वर्कआउट वगैरह है मंडे को तो वो शिप कर दीजिए, सैटरडे को चेस्ट वर्कआउट कर लीजिए और मंडे को लेग्स वर्कआउट कर लीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप थ्री लेग्स एक्सरसाइज के बारे में। जी हां गाइस, तो ये एक्सरसाइज आपको आपके वर्कआउट शेड्यूल में जरूर ऐड करना है। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर मुझे जरूर फॉलो कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हमारी सबसे पहली लेग्स की एक्सरसाइज है वो है स्क्वाट। जी हां गाइस, अगर आप लेग्स वर्कआउट करते हो ना तो स्क्वाट सबसे मेन एक्सरसाइज है, क्योंकि स्क्वाट ही सबसे ज़्यादा आपको लेग्स को एकदम मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कि इतना टेंशन आता है आपकी लेग्स पर स्क्वाट से, तो ये बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज है स्क्वाट की। तो आपको स्क्वाट लगाने से पहले अच्छी तरीके से दो तीन सेट आपको एम्प्टी वेट मतलब बिना कुछ वेट से आपको वार्म अप कर लेना है, या फिर आप फ्रंट से भी लगा सकते हो। जी हां गाइस, फ्रंट पे आपको ज़्यादा हैवी वेट नहीं लेना है, बहुत ही कम वेट लेना है, नॉर्मल वेट, उससे ही आप फ्रंट से भी आप फ्रंट बारबेल आपको शोल्डर के पास रखना है और आप देख सकते हो वीडियो में। तो इस तरह से आपको फ्रंट स्क्वाट लगाना है। आपकी जो बैक है वो ज़्यादा बेंड नहीं होनी चाहिए, और आप अगर ज़्यादा हैवी वेट वगैरह यूज़ कर मतलब लगा रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये आता है ना वेट लिफ्टिंग बेल्ट, तो वो बेल्ट आपको यूज़ करना ही करना है। अगर आप बेल्ट आपके जिम में नहीं है तो ऑनलाइन बाय कर लीजिए, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आपको इंजर के कोई चांस नहीं रहेंगे, तो आप ये बेल्ट ज़रूर बाय कीजिए। तो गाइस, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है तो ये है लेग्स प्रेस मशीन। जी हां गाइस, बहुत लोगों के जिम में ये मशीन नहीं रहती है, पर गाइस ये जो है तो आप इसके अल्टरनेट लंजेस लगा सकते हो। जी हां गाइस, क्योंकि ये लेग्स को बहुत ही मतलब इफेक्टिव एक्सरसाइज है लेग्स के लिए। आप चाहे तो सिंगल लेग से भी कर सकते हो। जी हां गाइस, क्योंकि अगर आप सिंगल लेग से करोगे तो आपके लेग्स पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आएगा और जल्दी से जल्दी आपके जो मसल्स हैं वो जल्दी से जल्दी ग्रो हो सकेंगे। तो आप देख सकते हो कि मैंने जो लेग्स है वो ज़्यादा मतलब बीच पे भी नहीं रखा है और एकदम साइड पे भी नहीं रखा है, एकदम मीडियम में रखा है। तो आपको इसी तरह से जो लेग्स है वो रखना है। आप इसके अल्टरनेट लंजेस भी लगा सकते हो, क्योंकि मेरी भी जिम में ये मशीन्स नहीं है, पर मैं भी इसके अल्टरनेट लंजेस वगैरह लगा लेता हूँ। तो आप डंबल या फिर वेट से भी लंजेस लगा सकते हो। तो देखा गया आपने, जो मैंने टॉप थ्री एक्सरसाइज बताई है वो बहुत ही ईजी है, आपको ये आपके वर्कआउट शेड्यूल में ऐड करना है। आप लेग्स वर्कआउट कम से कम वीक में 2 बार कर सकते हो, तो आपके मसल बहुत ही जल्दी गेन हो जाएंगे। अच्छा, इसके साथ अच्छा डाइट फॉलो कीजिए, सप्लीमेंट ऑप्शनल है, आप चाहे तो बाय कर सकते हो। तो गाइस, यही था आज का वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर मुझे जरूर फॉलो कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, सप्लीमेंट खाइए, बॉडी बनाइए। जय बजरंगबली, जय हिंद।